हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पलाश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अभी तक आपने स्मूथली बहुत सारे टारगेट्स कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लिया होगा। तो ये एक पहला पड़ाव होगा यहां से टारगेट्स का, क्योंकि यहां से हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे। तो आज जो है 35-36 टारगेट के बाद आपको रिवीजन करना है 2-3 दिन तक। उसके बाद एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। उस टेस्ट के बाद फिर से टारगेट आपकी कंटिन्यू रखी जाएगी कुछ नए बदलाव के साथ। तो सबसे पहले बात करें आज मैथ्स में, तो बेस्ड ऑन बैंक अकाउंट क्वेश्चंस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए पहले आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि बैंक अकाउंट में राम या फिर मैं ही किसी बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखा, इतने सालों के अंदर वो इतना कर्ज मेरे को दे रहा है या फिर इतना इंटरेस्ट मेरे को बना के दे रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल बिकम्स एन टाइम्स, कोई भी मूलधन इतने समय में इतनी गुणी हो जाती है तो कितने समय में कितनी गुणी हो जाएगी। डिफरेंस रेट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स, मतलब कि कोई मूलधन है उसका 1/4 भाग 5 साल के लिए इतने रेट पे डाल दिया, 2 साल के लिए 2/4 भाग इतने रेट पे डाल दिया, 4/4 भाग 3 साल के लिए इतने रेट पे डाल दिया। इस तरीके से करके आपको सवाल पूछे जाएंगे। इंटरेस्ट चेंजेस मतलब होते हैं जब ब्याज दर जो है वो चेंज कर दिया जाए बार बार, तो हो गया इंटरेस्ट चेंजेस। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस, इन सभी को मिलाकर एक बार अच्छे तरीके से पूरे चैप्टर को निचोड़ लेना है, वीडियो लेक्चर्स देख के जिधर से भी नोट्स कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करने के बाद मैथ्स के जितने चैप्टर हो गए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को पुट करेंगे एक सेक्शनल टेस्ट के अंदर। ठीक है, अब बात करें हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो, फिगर काउंटिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फिगर काउंटिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एग्जाम में हिट करेंगी और फिगर काउंटिंग एक बड़ा चैप्टर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट और बड़े चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन से ज़्यादा वेटेज रहते हैं वो पहले हम कंप्लीट कर रहे हैं, और कम वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो उसको लास्ट में करेंगे, और जो थोड़े से टफ टॉपिक्स हैं उसको भी लास्ट में करेंगे ताकि ताज़ा याद रहे। ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ये वर्ग हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर ट्रायंगल हो गया, उसके बाद सर्कल हो गया, ठीक है, क्यूब क्यूबॉइड हो गया और लाइन सेगमेंट हो गए। इसमें आपको 3 चीज़ें सीखनी है, वर्ग, आयत और त्रिभुज। ये 3 चीज़ें आप वीडियो लेक्चर देखकर सीख सकते हो, और हो सके तो नोट्स बना लो। नोट्स बना करके आपको इजीली रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार टाइम अगर वेस्ट करोगे वीडियो देखने में उतनी देर में आप कितनी बार रिवीजन कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, देखो मैंने लिख के रखा है 1, 2, 3, 4, इसका एक तरीका होता है, इसमें कितनी त्रिभुज है, तो 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो ये तरीका है। ये मैंने सीखा था पीयूष वर्षा सर से, तो मैं लेक्चर्स डलवा दूंगा, आप बढ़िया से सीख लेना, वहाँ से बढ़िया तरीके से कवर कर लेना। ठीक है दोस्तों मेरे, अब बात करें जीके की। तो जीके में पहले आपको बायोलॉजी में पढ़ना है मत्स्य वर्ग, कल कार्डेटा पढ़ा था, कार्डेटा के ये भाग है एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी, स्तनी मैमल्स और ह्यूमन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल से ह्यूमन कैसे विकसित हुए। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, लेकिन पुष्यवती वंश जो है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी सीखने को और समझने को, तो 2 दिनों के अंदर छोटा सा टॉपिक है, ख़त्म कर लेना बढ़िया तरीके से। ज्योग्राफी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका पढ़ना है, 2 दिन का टाइम लगा है, आधा एक दिन पढ़ोगे आधा दूसरे दिन पढ़ोगे। अंटार्कटिका बहुत छोटा टॉपिक था, आपने पढ़ लिया होगा, कवर कर लिया होगा। इसको कवर करने के बाद जैसे ही महाद्वीप खत्म होगा तो लगभग हम मान सकते हैं कि 70% हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी काम लायक हो गया है। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम स्टडी ग्रुप में पढ़ लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी में एंटर करेंगे। बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में लोकसभा पढ़ना है, लोकसभा से सदस्य राज्य, मतलब किस राज्य से, किस संघीय क्षेत्र राज्य, संघीय क्षेत्र प्रदेश से कितने सदस्य चयनित किए जाते हैं लोकसभा के सीट के लिए, और इसके साथ साथ लोकसभा में चयनित सदस्यों का कार्य अधिकार क्या होता है, क्या क्या कार्यशैलियाँ होती हैं, उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से एक बार समझ लेना, सीख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं परमार एसएससी से, 2 लेक्चर्स देख लेना जो 19 के एनटीपीसी पीआईक्यू को उन्होंने चला रखा है, और कैलकुलेशन जो है 1 आवर का करना है ताकि आपका जो मैथ्स करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाए और टाइम कम लगे और अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट में आप टाइम को मैनेज कर पाओ। तो इस तरीके से आज का टारगेट मैंने बता दिया है। अब इतने टारगेट के बाद आपको रिलैक्स दिया जाएगा ताकि आप एक बार रिवीजन कर सको बढ़िया तरीके से, और उसके बाद एक टेस्ट दे सको। टेस्ट के बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे टारगेट, क्योंकि रेगुलर आप पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, लेकिन आपके पास कितनी ये कैपेसिटी है, कितना आपने ऑब्जर्व करके रखा है, वो एकमात्र जरिया है टेस्ट देकर ही समझने का, सीखने का कि मेरे पास कितना है। ठीक है, तो आप तैयार रहना बढ़िया तरीके से रिवीजन करके और अच्छे से मेहनत करके। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और हो सके तो मैं जैसे जैसे नवंबर खत्म होगा वैसे वैसे लगभग टारगेट कंप्लीट करके 50 वीडियोज पूरा दूंगा, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे स्टेशन मास्टर्स, गार्ड, सभी से बात करके रखा हूँ ऑलरेडी, लेकिन उनको टाइम नहीं रहता, और मेरा ही टाइम ड्यूटी शेड्यूल ऐसा रहता है कि मैं मिल नहीं पाता हूँ उनसे, कभी वो फ्री रहते हैं तो उस टाइम मैं ड्यूटी में रहता हूँ। लेकिन मैं बारी बारी से प्लान करके, लिस्ट लगा के, छुट्टी लगा के इन्वाइट करूँगा अपने स्टूडियो में, और उनसे मैं एक
रियल पॉडकास्ट इंटरव्यू लूंगा जिसमें जो स्टूडेंट्स की दिक्कतें हैं, जॉब्स के पहले तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, जॉब्स के बाद कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और लड़कियों के लिए भी मैं लड़की टीटी जो अब हमारे कलीग्स हैं, फीमेल टीटी हैं, फीमेल स्टेशन मास्टर गार्ड्स हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को मैं जितना पॉसिबल हो सके हेल्प करूंगा ताकि एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी कम नहीं होता, लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी मेहनत करो बढ़िया तरीके से, और इधर उधर की बातों से थोड़ा दूर रहो, पर्सनल मैटर से भी दूर रहो। आप जितना मेहनत कर सके करो, अपने आप पर ध्यान दो, किसी की बातों में मत आओ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। छठ पूजा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, हमेशा खुशी रखे माँ आपको, हमेशा स्वस्थ रखे और हमेशा ऊर्जावान रखे, बस तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है। जय हिंद।